परिवार ये परिवार से पहले चौदह कि मुझे मन नहीं कि को क्या हो रहा है इन लोगों के मन की हालत क्या है इन लोग किस स्थिति में है ये मनने के लिए और इनको ये भरोसा दिखाने के लिए बंगाल में आपके परिवार के साथ आए आप भरोसा ना करोटो जरूर आज मैं नुक्कड़ पर न्याय की जंग मिलेगी किया मेरे ये मन की भूमि पे शक मच जाती है आज इसके बाद मैंने ये आया कि कि आंत ऋण डॉक्टर इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं तो इनके साथ मैं अपना साथियों अपना समर्थक ट्रैक करना जरूरी समझ मैं कोई व्यक्तिगत तौर से मैं कोई राजनीतिक हस्ती से नहीं मैं बिल्कुल एक व्यक्तिगत

पूरा समर्थन और जितना हमारी ताकत है सब साथ झुका के आपकी जो मांग आपकी जो गुहार लगा रहे हैं उनसे हम सहमत पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ डॉक्टर के साथ कांड शांत होने का नाम नहीं ले रहा है एक तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है तो दूसरी तरफ डॉक्टर कांड में ऐसा जबरदस्त खुलासा किया है कांग्रेस के नेता ने जिसे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और अगर इस खुलासे के बाद सीबीआई ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं तक पहुंचती है तो शायद हैरानी की बात नहीं होगी तो चलिए बिना देरी के आपको भी बताते हैं कि क्या वो खुलासा जिससे पश्चिम बंगाल की सियासत में नया भूचाल आ गया है नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया मिश्र कोलकाता डॉक्टर कांड में नए खुलासे हड़कम

शीघ्र अंतिम संस्कार करने के लिए पिता को पैसे की पेशकश की थी अधिरंजन चौधरी ने कहा कि मैंने डॉक्टर के परिवार के घर जाकर उनसे काफी देर तक बात की पुलिस ने परिवार को घर में नजर बंद कर रखा है वो तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रही उनके चारों ओर मोर्चा बंदी कर दी गई है सीआईएसएफ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कोलकाता पुलिस ने राज्य सरकार के निर्देश का पालन करके पीड़िता के पिता को पैसे की पेशकश की इस दौरान उनसे कहा गया कि उनकी बेटी के शव का बिना किसी देरी के अंतिम संस्कार किया जाए 9 अगस्त को कोलकाता में सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था उसके लिए न्याय और स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों पर मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर उस दिन से हड़ताल पर है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के डॉक्टर्स शनिवार को जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए उन्होंने कहा कि महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून के बिना महिला चिकित्सक कार्यस्थल पर कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेंगे प्रदर्शनकारी डॉक्टर दीपिका ने कहा कि मैं अपनी बेटियों को यहाँ कभी डॉक्टर नहीं बनने दूंगी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम सभी महिला चिकित्सक अब डरी हुई है हमें काम करते समय डर लगता है और हमें सुरक्षा की जरूरत है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पीड़िता के साथ कार्यस्थल पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई वही कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने शनिवार को विरोध मार्च निकाला प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन से शायम बाजार तक मार्च निकाला जिसके पास सरकारी अस्पताल स्थित है प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने हमें न्याय चाहिए और आर्जीकर मामले में न्याय चाहिए जैसे नारे लगाए दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग करते हुए शिक्षकों ने कहा कि वो चाहते हैं कि कार्य स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए उन्होंने आगे कहा कि दोषियों को बचाने वाले व्यक्तियों को भी कठोर सजा मिलनी चाहिए ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के विरोध में टीचरों की ओर से आयोजित ये दूसरी रैली थी ममता बनर्जी पर बीजेपी का वार कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर अभी भी देश भर में बवाल जारी है हर कोई पीड़िता को इंसाफ देने की गुहार लगा रहा है इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री ममता को निशाने पर लेते हुए गेंद को केंद्र के पाले में फेंकने का आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कोलकाता कांड को शर्मनाक करार देते हुए इसकी आलोचना की उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की घटना शर्मनाक है सभी ने दुख जताया है और इसकी आलोचना की है मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे कैसे ले रही हैं लेकिन वो इसका प्रतिवाद कर रही हैं वो पूछ रही हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया ये पहले से ही है लेकिन आपने इसमें कोई योगदान नहीं दिया आपने इसे केवल चार पांच जिलों में किया आप कुछ नहीं कर रहे हैं और गेंद केंद्र के पाले में फेंक रहे हैं ये अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है आपको बता दें की ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बलात्कारियों को सजा देने के लिए कड़े केंद्रीय कानून की मांग की थी वही केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने सीएम ममता बनर्जी के पर नाराजगी जताते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी थी उन्होंने कहा कि महिला के प्रति इतना गंभीर अपराध हुआ है स्वयं सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले रहा है उन्हें यानी कि ममता बनर्जी शर्म आनी चाहिए कि वो भी महिला मुख्यमंत्री है कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और अगर उनसे नहीं संभाला जाता है तो छोड़ देना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए भारत की जनता समझ चुकी है कि वो यानी कि ममता बनर्जी क्या कहना चाहती है डॉक्टर रेप मर्डर मामले में अब तक क्या-क्या हुआ कोलकाता के सरकारी आर्टिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को डॉक्टर का शव मिला था जिस पर गंभीर चोट के निशान थे संजय राय को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगले दिन गिरफ्तार किया गया था जिसमें उसे घटना वाले दिन सुबह लगभग 4:03 पर सेमिनार हॉल में घुसते हुए देखा गया था सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रॉय से गहन पूछताछ की गई और पुलिस ने उसके बाएं गाल पर हालिया चोटे बाएं हाथ में दो उंगलियों के बीच खरोज बाई देता है कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था इसके बाद सीबीआई ने 14 अगस्त को जांच अपने हाथों में ले ली थी सीबीआई ने मामले की जांच संभालने के बाद अपराध के बारे में आगे की जानकारी जुटाने के लिए संजय मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पीड़िता के साथ ड्यूटी पर मौजूद चार डॉक्टरों और रॉय की पॉलिग्राफी जांच की भी कराई थी सीबीआई की रडार पर संदीप घोष का करीबी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कोलकाता के आर्जिकर अस्पताल की स्नाकोत्तर प्रशिशु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना की एफ में लिखे शब्द पर सवाल उठाए है एफ में अज्ञात बदमाशों द्वारा जानबूझकर दुष्कर्म और हत्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है सीबीआई का दावा है कि कानूनी शब्दवली में जानबूझकर दुष्कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती वही कलकत्ता कोर्ट के वरिष्ठ वकील कौशिक गुप्ता का भी मानना है कि जानबूझकर दुष्कर्म शब्द का इस्तेमाल बेहद असामान्य है इसके अलावा सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अस्पताल के अधिकारियों को इतने गंभीर मामले की सूचना पुलिस को देने में 25 मिनट क्यों लगे महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में सीबीआई की नजर आर्जिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के निजी सहायक प्रसून चट्टोपाध्याय पर है जो 9 अगस्त को घटना के बाद सेमिनार हॉल की भीड़ में मौजूद थे उसी दिन नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी उनकी उपस्थिति दर्ज है जहाँ वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं। एक व्यक्ति की दो जगह हाजिरी बता दें कि इसी सेमिनार हॉल से महिला चिकित्सक का शव बरामद हुआ था सूत्रों के मुताबिक सीबीआई का कहना है कि एक ही व्यक्ति की एक दिन जो दो जगह पर उपस्थिति कैसे हो सकती है सीबीआई इसकी जांच कर रही है वहीं जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि प्रसून रोज सुबह नेशनल मेडिकल कॉलेज आते थे और हस्ताक्षर करके चले जाते थे इसके अलावा सीबीआई को यह भी पता लगा है कि घटना के दिन संदीप घोष के पहुंचने से पहले पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी हालांकि संदीप घोष ने ही घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी थी अस्पताल के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सुमित राय तपादार ने सबसे पहले संदीप घोष को फोन कर घटना के बारे में सूचित किया था उस समय घोष अपने घर पर थे घटना के बाद सेमिनार हॉल के प्रसारित वीडियो में लाल रंग की शर्ट पहने हुए व्यक्ति की मौजूदगी को लेकर विवाद गहरा गया है कोलकाता पुलिस का कहना है कि लाल रंग की शर्ट पहने हुए व्यक्ति का नाम अनिस रहमान है तथा वो फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दावा है कि लाल रंग की शर्ट पहने हुए व्यक्ति कोलकाता स्थित सरकारी अस्पताल SSKM के एम के वरिष्ठ चिकित्सक अभिक दे है जो संदीप घोष के बेहद करीबी है आई एम ए ने चिकित्सक की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा प्रिंटेड सलवार सूट पहनी एक महिला की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं बीजेपी और सॉलिसिटर जनरल के दावे जहां एक और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर घटना स्थल पर डॉक्टर पुलिस अस्पताल के कर्मचारी और बाहरी लोगों की मौजूदगी होने की बात कही है वहीं दूसरी ओर केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि घटनास्थल की स्थिति को बदल दिया गया था हालांकि डीसी इंदिरा मुखर्जी ने स्पष्ट किया है कि वीडियो में दिख रहे लोग पुलिस अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी और मृतका के परिवार के सदस्य थे फिलहाल ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में पेश आए इस नए खुलासे ने मामले को और ज्यादा जटिल बना दिया है इसने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सीबीआई की जांच में और क्या खुलासे होते हैं और इस मामले की गुत्थी को किस प्रकार सुलझाया जाता है स्पेशल स्टोरी फिलहाल के लिए इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार